नमस्कार, NR 56 भोग वाटिका में आपका स्वागत है। आप हमारी चैनल पर नया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आप साथ में बेल आइकन को भी दबाए तो हमारे जो नए वीडियो है आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग आपको अच्छी जानकारियाँ देते हैं, जो हमने अनुभव किया वो शेयर कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक की हमारी जो प्लांट था उसको आज 7 दिन हो चुका है। उसमें काफ़ी पेड़ ट्रांसप्लांट भी कर दिए और काफ़ी कुछ ग्रो के लिए भी कर दिए। ये भिंगन है, कुछ पेड़ बड़े भी हो चुके हैं। किसे आप देखिएगा, ये जो बेल है उसको ट्रांसप्लांट किया, अभी ये ग्रोइंग चल रही है। ये नए प्लांट्स है पत्ता गोभी का, जो यहाँ ही सीडिंग किया है और यहाँ ही ग्रो होगा। इससे कैसे अच्छी हेल्थिंग बनता है, यदि जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें इतनी अच्छी हेल्थ नहीं आती है। हाँ, इसमें ठीक है, इसकी थोड़ा समय लगता है, यदि इसमें 15 दिन का रह जाता है, लेकिन जो जिसमें ग्रो किया जाए उसमें है। ये देखो, ये बैंगन का सीड भी इसी में ग्रो किया है, उसकी अच्छी हेल्थिंग दिख रही है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे और भी खूब सारे हेड्स हैं। कुछ पेड़ ट्रांसप्लांट किए, ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें भी क्या हो जाता है कि कम से कम 7 दिन का वक्त लग ही जाता है कि उसको अपने हेल्थिंग के लिए। इसी तरीके से ये देखो, उसकी देसी मिर्च के हमने ट्रांसप्लांट किए थे, ये देखो उसकी अभी अच्छी हेल्थिंग लग रही है। कुछ हेल्थिंग अच्छी होने के साथ साथ में देखो उसकी कुछ मिर्ची भी जनरेट हो रही है। ये हमने एक की ग्वार का पेड़ होता है उसको ट्रांसप्लांट किया है, जबकि ग्वार कहीं भी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रांसप्लांट कर चुके हैं हम और ये अभी हेल्थ ठीक लग रही है, इसकी अच्छी तरीके से हेल्थ लग रही है। इसी तरीके से ये बैंगन के पेड़ हैं, बैंगन अच्छी तरीके से जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसकी बैंगन की जो जड़ रूट्स होती है वो क्या इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इतना जल्दी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एक टमाटर का पेड़ भी बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये देखो इसकी, ये प्लांट्स हमारा किया हुआ है, इसकी अभी हेल्थिंग अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखो इसकी यहाँ करने के बाद में जो नई पत्तियाँ आई हुई है, अभी की आई हुई है नई पत्तियाँ। इसकी देखी जाए तो नीचे की रूट की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, देखो उसकी नीचे की रूट की हेल्थ भी अच्छी आ रही है। इसी तरीके से ये फूल गोभी के प्लांट्स हमने यहाँ सीडिंग किया है, अभी इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनको निकाल करके अलग अलग करके अलग अलग बॉक्सेज में इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो ये यहाँ का यहाँ किया हुआ है तो ये जल्दी हो जाएंगे। इसी तरीके से तो ये है, ये सब में अच्छी तरीके से रूटिंग आ चुकी है। ये हमने करेले की बेल को ट्रांसप्लांट किया था, ये भी अच्छी हेल्थिंग है। अभी देखो इसकी इसमें नए करेले बनने लग गए हैं, देखो इसका मतलब हेल्थिंग है आदमी की। ये पालक है जो इसको यहाँ ही रखे है, इसमें देखो इसकी ग्रोइंग हो रहा है अभी अच्छी तरीके से। ये देखो इसकी पालक है, कुछ ग्रो हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। ये बैंगन के पेड़ हैं, ये हमारे टमाटर का पेड़ है। इसी तरीके ये हमने भिंडी को ट्रांसप्लांट किया था, ये भिंडी अभी इसमें ट्रांसप्लांट हो चुकी है, इनकी हेल्थिंग ठीक चल रही है। इनकी रूट्स देखे जाए तो नीचे रूट अच्छी है, उसकी अच्छी अच्छी रूट्स आ चुकी है, इससे लगता है इसकी हेल्थिंग पेड़ अभी ग्रो करने लग जाएगा। जब तक रूट नीचे ग्रोइंग नहीं करेगी तब तक फिर हेल्थ नहीं होती, जैसे ही पेड़ की रूट्स नीचे निकलने लग जाती
को इसमें भी निकल रही है, इसलिए इसका ये भी ग्रो कर चुका है। ये फोर्स नेक्स्ट वीक में ये फोर्स करने लग जाएंगे। इसी तरीके से सभी फिर जिन जिन को ट्रांसप्लांट किए इनकी रूट्स चल रही है, निकल रही है, नीचे निकलने शुरू हो चुकी है। जैसे ही रूट बाहर निकल जाती है उसके बाद में पेड़ हेल्थी होने लग जाए। ये सब ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। कुछ यहाँ पे हमने प्याज की इसमें शीट जनरेट किए हैं, वो भी हो रहा है। ये कि लहसुन का एक अलग तरीके से ग्रो करने का एक तरीका है। इसमें लहसुन को क्या किया जाता है, इसकी सीधा डायरेक्ट रख दिया जाता है और धीरे धीरे ये करके इसकी ग्रो होएगा ऊपर की तरफ पे। यहाँ पे जब निकल पत्ते निकलने लग जाएंगे तब इसको अलग अलग करके अलग अलग थानों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उससे हेल्थिंग बहुत अच्छी बनती है, जो कि हम अलग अलग करके बताते हैं उसमें इतनी अच्छी ग्रो नहीं होती है एक साथ में। इसी तरीके से ये है, ये देखो इसके हमारे ये टमाटर, ये बैंगन है। ये बैंगन अच्छी तरीके से बढ़िया हेल्थी हो चुका है, अभी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तरीके से देखो इसमें, इनमें सबसे बढ़िया जो हमने मिर्ची के जो प्लांट ट्रांसफ़र किए हैं वो अच्छे ग्रो किए हैं। इनकी हेल्थ बिल्कुल सबसत है, इनमें कोई डिस्टर्ब नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से है। इसमें यहाँ पे सीड अभी जनरेट हो रहे हैं, इनमें पत्ता गोभी के सीड जनरेट किए हैं। पत्ता गोभी के सीड जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ अभी जनरेट हो रहे हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी के दोनों में टाइमिंग में अंतर होता है। पत्ता गोभी का सीड करीबन 7 से 10 डे के अंदर ग्रो करता है और फूल गोभी का भी सीड है वो 3 से 5 डे के अंदर ग्रो करता है। इन पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन देने के लिए ये एक न्यूट्रिशन होता है, इसे हम बीलो रसायन कहते हैं। ये बील होता है उससे उसका और 10 का रेशियो होता है, इसे बीलो रसायन किया जाता है। जो बील का गुद्दा चाहिए यदि इसका रेशियो होता है 3 kg बील का गुद्दा, 1 kg गुड़ और 10 लीटर पानी, उसमें कंपोज करके 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए रख दो, उसके बाद में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें जो मिक्सिंग है इसमें है शोल कंपनी है, TCBT ताराचंद जी बेलजी भाई टेक्नोलॉजी उनकी, उसमें नेत्रजल है, रामबाण है, और कीट भक्षक है, ऐसे करके इसमें डिकम्पोजर भी है, जो जीवाणु घोल है इस तरीके से इसका मिक्स लिक्विड का ये बना हुआ है, जो कि पेड़ के जैसे इसकी मिर्ची है इनके ऊपर जो कीड़े कीट पतंगे ने उसमें स्प्रे में भी काम में आता है। ये पेड़ का ये जो पानी होता है, जहाँ ये जो पानी चलता है सर्वे चलता है, इसका पानी का पीएच एनी टाइम चेक करते रहते, इसका TDS पहले कम नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट यदि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस टाइम में TDS बिल्कुल कम होना चाहिए, 200 से ऊपर TDS का पानी नहीं होना चाहिए। यदि 200 से ऊपर TDS का पानी हो गया तो आपका जो नए प्लांट्स लगाओगे वो जल जाएंगे, क्योंकि ये इतना हैवी नहीं ले सकते हैं। इसलिए पहले आप TDS अपने पानी का चेक करना ज़रूरी होता है। उसके अंदर फिर न्यूट्रिशन है, pH 7.2 और 7 होना चाहिए, 7 से ऊपर का pH का पानी नहीं होना चाहिए। फिर चेक करते रहेगा, जैसे जैसे पेड़ आपका न्यूट्रिशन लेता जाएगा वैसे वैसे पानी के अंदर pH वैल्यू कम होती जाएगी। pH वैल्यू किस तरीके से पता किया जाता है, ये एक
तो मीटर होता है जिसमें तीन तरीके की वैल्यू होती है। इसमें एक मॉइस्चराइजर का होता है जो ज़मीन के अंदर पेड़ पौधे के नीचे मॉइस्चराइजर कितना है, लाइट का होता है और पीएच का होता है। अभी हम देख रहे हैं कि देखेंगे कि हमारे पानी का पीएच अभी क्या है। इसमें जो नीचे की लाइन दिखाई दे रही है लास्ट की, ये पीएच की, जब जीरो रहता है मीटर उस टाइम में ये समझो आपका पानी 7.5 का पीएच का है। और इसमें जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, ये डाल दे चुके हैं, अभी आप देखिएगा हरा मीटर है वो ऊपर जा चुका है, और वैसे देखा जाए तो ये 7 के समथिंग का पीएच अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ की जो सनलाइट है उसकी वैल्यू करें तो अभी के टाइम में धूप नहीं है, मौसम बादलों के जैसे ऐसे बना हुआ मौसम है, उसकी वजह से अभी सनलाइट है वो पेड़ के हेल्थ के हिसाब से थोड़ी कम है। पेड़ सनलाइट थी कम से कम मिनिमम इन पेड़ों के लिए 500 से लेकर के 800 के बीच में होनी चाहिए। और मॉइस्चराइजर का सा इसमें कहें क्या, मॉइस्चराइजर तो सा है ही, इसमें तो क्या इसकी ये तो डायरेक्टली पानी के अंदर है तो इसमें भी मॉइस्चराइजर दिखाई देगा आपको। लेकिन ये मॉइस्चराइजर जैसे इसकी आपका TDS बढ़ जाएगा इसमें, तब मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, TDS बढ़ने के कारण से जड़ों में सड़न होने लग जाती है। तो इस तरीके में देखा जाए तो अभी मॉइस्चराइजर करीबन 8 के लगभग है, तो 8 के लगभग इसमें मॉइस्चराइजर है, देखो पानी में डाल चुके हैं पूरा है, 8 के लगभग है, तो 8 के से ये पता चलता है इसकी वैसकी ठीक है। जब TDS बढ़ जाता है तो मॉइस्चराइजर बढ़ जाता है डायरेक्टली, यदि नॉर्मल सीधी डायरेक्टली यदि पानी की के अंदर यदि आप डालोगे तो पानी में पीएच सही है तो देखो उसकी ये वाटर लेवल का जो टैंक है इसमें हम मॉइस्चराइजर के लिए डालेंगे तो भी देखो इसकी इसमें डालने में भी यही बता रहा है, जो वहाँ बता रहा था वो यहाँ बता रहा है, इसका मतलब हमारा पीएच लेवल ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो डाला हुआ है इसकी चेक करते हैं हेल्थ की, तो इसमें भी मॉइस्चराइजर उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। मीटर से अभी आप देखेंगे इसी में भी ठीक ही दिखाई दे रहा है। आप इसमें डालने के लिए जो फिलिंग की जाती है इसमें कोकोपीट होती है, पेरेलाइट होता है, पेरेलाइट एक की पत्थर होता है जो ज्वालामुखी से हाई टेम्परेचर में पका हुआ होता है, जो मॉइस्चराइजर और एयर रखने के लिए कैपेबल होता है। ये पेरेलाइट इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें मिक्सिंग होनी चाहिए कम से कम 20 से 25% पेरेलाइट इसके अंदर मिक्स होना चाहिए ताकि उसमें एयर बनती रहे। और आप देखेंगे इसकी एक एयर बनाने का दूसरा तरीका और भी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी इसमें एक साउंड आ रहा है कि इसकी बुलबुले बन रहे हैं, बुलबुले जैसे बनते हैं हवा इसमें मिक्सिंग होती जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं इसकी प्लांट्स को सीधी डायरेक्टली चलाया करते हैं, उसमें स्पीड से पानी ग्रोथ चलता रहता है और एक साइड से निकलता रहता है, पेट के नीचे से लगता रहता है, उसमें भी अच्छा न्यूट्रिशन बनता है। लेकिन जितनी हवा के साथ में मिक्सिंग में जो नाइट्रोजन है एयर में जो इसमें घुलती जाती है उससे क्या इसकी एक बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है, उसमें पानी का न्यूट्रिशन इतना जल्दी कम नहीं होता है। क्योंकि ये बुलबुले बनाने के 2-3 तरीके हैं, या जो टैंक बना होता है उस टैंक में आप मच्छी डाल दीजिएगा,
बड़ा टैंक बना करके उसमें फिश डाल दोगे तो फिश जब उसमें उछल कूद करेगी तो पानी में क्या इसकी बुलबुले बनते रहेंगे। उसमें फिश के लिए एक एयर वाला पंप डाल दिया जाता है, पानी ऊपर से गिरने वाला लगा दिया जाता है। तो भी इस तरीके के कई तरीके हैं। आज के लिए ये काफ़ी है, हम आगे के लिए और नेक्स्ट वीक में इसका एक वीडियो और बनाएंगे, तब तक ये है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि हाइड्रोपोनिक के लिए यदि आपको अपने घर में सबसेट प्लांट्स और बालकनी में किसी भी तरीके का यदि प्लांट्स लगवाना है, इस तरीके का हम प्लांट्स ट्रांसफ़र करवाना और वहाँ पे लगाना और उनको पेड़ पौधे उपलब्ध कराने की ये हमने प्रक्रिया ली है, जो जिस तरीके के हेल्थ का एक मेन्यू बनाया जाता है कि उनके घर में कितने मेंबर है और किस तरीके की उनको सब्जियाँ खानी है, उस तरीके के बना करके उसी तरीके से एक प्लांट डिजाइन करते हैं। वो डिजाइन करके वो प्लांट्स आपके वहाँ लगा दिया जाएगा। उसमें जैसे जैसे जो जो पेड़ है वो आप हार्वेस्ट करते जाते हो, वैसे वैसे आप ऑर्डर करते जाओ, आपको तैयार किया हुआ कप्स आपको भिजवा दिया जाएगा और आप उसमें लगा लीजिएगा। न्यूट्रिशन आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है बनाए हुए, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक हैं, ये गौमूत्र और गाय से बने हुए हैं और बाकी टीसी बीटी ताराचंद जी बेलजी भाई की टेक्नोलॉजी से जो सोल से जो बने हुए हैं उन्हीं से तैयार किए हुए हैं। इनमें कोई रासायन नहीं है, ये आपके लिए खाने के लिए सेहत के लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल 100% है। इसमें पूरी शुद्धता है, इससे आप अपने घर पे प्लांट्स लगा करके आप अच्छा पालक हमेशा खाएगा, अच्छा धनिया लीजिएगा, अच्छा लहसुन के पत्ते लीजिएगा, वहाँ के वहाँ आप डेली बाहर का जहर खाने से आप मुक्ति है। अभी जो लिम्पी वायरस आ रहा है, जो गाय की बॉडी इतनी इंट्रोवर्ट सॉलिड है उसमें ये हमला हो चुका है, तो आप समझो यदि मानव जीवन के अंदर यदि अटैक कर दिया तो आप समझो इसकी क्या है। क्योंकि वायरस चाहे पेड़ हो, पत्ते हो, फूल पत्ते का पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, उसमें सबसे मेन काम करता है यदि आपका जिंक का लेवल यदि मान लो उसकी अच्छा है तो वायरस अटैक नहीं करता है। जैसे पेड़ है, पेड़ में भी यदि किसी तरीके से यदि जिंक का लेवल कम हो जाता है तो पेड़ पे भी वायरस हमला कर देता है। इसी तरीके से जो कोरोना वायरस था उसमें भी आपको पता है इसकी जिंक का लेवल ही बढ़ाया गया था, उसी कारण ये सब हुआ था। जिंक का लेवल बढ़ा उनके कोरोना नहीं हुआ था, और जिनका जिंक का लेवल नीचे था उनको वायरस अटैक किया था। इसी तरीके से जो ये लिम्पी वायरस अभी अंदर आने वाला है तो यदि वो मानव में एंटर कर चुका है, यदि आप इसी तरीके से यदि आप खाना खाओगे जिस तरीके का, आपको पता है इसकी आपकी हेल्थ किस तरीके से हो जाएगी। इसके लिए इसी को बचने के लिए आप अभी से अपना खुद का सवतेक बनाना सीखो, ताकि इसमें जब तक आप अपना स्वयं का भोजन बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप किसी पे ब्लीव मत करो। देखो ये हमारा एक प्लांट है, इसको हेल्थ दिया है, ये प्लांट ऊपर से निकल के गिर चुका था, अभी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर चुके, छोटा बच्चा, इनको भी एक तरीके से बच्चे ही कहा जाता है। ये है इनकी, हाँ, ये टेरिस गार्डन में सबसे उपयोग टेक्नोलॉजी है। ये टेरिस गार्डन के अंदर यदि आपकी 150 स्क्वायर गज का यदि प्लॉट है उसमें छत के ऊपर यदि आप ये पूरा का पूरा प्लांट डिजाइन करते हो तो करीबन उसके अंदर 4000 तक के प्लांट्स आपके वहाँ पे हो जाते हैं। 4000 का मतलब आपका पर डे आपका एवरेज यदि हार्वेस्ट किया जाए
तो एवरेज पर डे की 40 केजी तक आप सब्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं इस हाइड्रोपोनिक से। तो यह समझो यदि आप 40 केजी पर डे की सब्जी अभी की टाइम में जो मार्केट लेवल में यदि जहरीली सब्जियों के लेवल में भी यदि कैलकुलेशन किया जाए तो आप देखिएगा कितनी की बनती है। इसमें पानी का कंजप्शन बिल्कुल बहुत कम है। ये टोटल प्लांट्स में जब भी चलता है 4000 प्लांट्स में चलता है तो पर डे का एवरेज आपका मैक्सिमम 40 लीटर तक का पानी हवा के एयर विंडर्स में उठ चला जाता है। जो एक समझा जाए तो आप घर में गर्मी में एक कूलर चलाते हो तो उस कूलर में उससे ज़्यादा पानी चला जाता है। कूलर यदि 24 घंटे चलता है तो एवरेज पर डे 80 से 100 लीटर तक का पानी खा जाता है। तो इसका मतलब एक कूलर जितना सामान लो कि यदि आप खाते हो उसमें आपकी पूरी पूरी है उतना पानी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका एनवायरमेंटल भी ठंडा रहेगा। आपकी कूलर जैसी इसकी छत के ऊपर बीच बीच में ऐसे इसकी डाल करके आने वाले टाइम में इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से। अभी तो ये छोटे लेवल के ऊपर एक डेमो तैयार किया है। जैसे ही अभी आ जाएगा तो इसके बीच में और प्लांट्स आ जाएंगे, ऊपर हमारे हो जाएगी, बीच में अच्छी तरीके से बैठने के लिए बेंच वेंच भी डाली जाएगी ताकि नहीं। 10 फीट का यदि 200 प्लांट्स के अंदर यदि पूरा सिस्टम विद पेड़ पौधे के साथ में उसमें 5 तरीके की सब्जियों का प्लांट्स लगा करके यदि आपको है जाए तो हमारी एवरेज लगभग 20,000 रुपये की आपकी कॉस्टिंग आएगी, जिसमें आप चाहो तो आपके घर के इंक्लूडिंग वुडन का पार्टीशन भी आपको मिल सकता है और यह की जगह स्टील का भी स्ट्रक्चर मिल सकता है। दोनों तरीके का है कि आपकी बालकनी में किस तरीके के शोभा देता है, ये हमारी कॉस्टिंग है। यदि आप जहरीली सब्जियों को बाबा करना चाहते हो और अपनी हेल्थ अच्छी बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल हाइड्रोपोनिक का सिस्टम लगवाइएगा और अपनी घर की बिना जहर की प्राकृतिक सब्जियां खुद अपने हाथों से बना करके खाएगा। इसमें फूल पौधे सब लगा सकते हो और भी बहुत सारे डेकोरेटिव कर सकते हो। उसमें जो दिन में आपका जितना फालतू टाइम दिया जाता है वो फालतू टाइम आप यहाँ एवरेज एवरी डे 1 घंटा टाइम इनको दे दीजिएगा, आपके घर में पूरी सब्जी मिल जाएगी। नमस्कार। हमारे संपर्क करने के लिए आप 7014-734-784 नगेंद्र जहांगीर से आप संपर्क कीजिएगा। आप उससे पहले आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप की उसकी कॉल इतनी सारी हो जाती है जिससे अटेंड करना असंभव है, इसके लिए आप पहले व्हाट्सएप मैसेज ही डालिएगा। नमस्कार।